तो इसलिए ये भौतिक जगत जो है ये कर्म के बंधनों से भरा हुआ है, यानी कि कर्म से बना हुआ है, कार्यकलापों से बना हुआ है। तो जैसे जिसकी इच्छा होगी, जैसे जिसका कार्य होगा, ये प्रकृति के कानून, प्रकृति के नियम जो हैं, बिना किसी भेदभाव के आपको जो है फल प्रदान करें। कोई भी हो, अगर बड़ा सा बड़ा आदमी है, देश का राजा है, नेता है, अभिनेता है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, राजा है, विश्व का सम्राट है, अगर वो पाप करेगा तो उसको भी सजा मिलेगी। और गरीब से गरीब व्यक्ति है, भिखारी है, सड़क का भिखारी है, उसके पास पैसा नहीं है, अगर वो पाप करेगा तो उसको भी सजा मिलेगी। समदर्शी का मतलब ये होता है। और विश्व का सम्राट, देश का राजा, देश का प्रधानमंत्री, देश का नेता, देश का अभिनेता, अगर वो पुण्य कार्य करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, तो उनको अच्छा फल मिलेगा। और गरीब से गरीब व्यक्ति जो है सड़क के पास लेटा हुआ है, वो अगर पुण्य कर्म करेगा तो उसको भी अच्छा फल मिलेगा। इसी तरह से किराट होना अंदर पुलिंद पुलकशा भीर यवना शुंभा खसा दया यनेच पापा पाशाशया शुद्ध्यंती प्रभविष्णवे नमः। इसमें भी कोई भेदभाव नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सभी धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। भगवान ये नहीं कह रहे हैं हिंदुओं के लिए, नहीं कह रहे हैं सिर्फ, सबके लिए कह रहे हैं। किस किस के लिए कह रहे हैं? सबके लिए कह रहे हैं। यानी कि किराट हुनांद्र पुलिंद पुलकशा, अगर आप वर्णाश्रम धर्म में भी नहीं हो, अगर आप समर्पित हो जाते हो भगवान के चरणों में, तो भगवान आपका भी उद्धार कर देंगे, आपको भी भगवत प्रेम दे देंगे। कोई भेदभाव नहीं है। इसे चाइना में रहिए, कोरिया में रहिए, रशिया में रहिए, कहीं भी रहिए, क्या करना होगा? शरणागत होना पड़ेगा केवल कृष्ण की सेवा में, तो आपको पूरा फल मिल जाएगा, भगवत प्रेम का फल आपको मिल जाएगा वहां पे रहकर भी। कोई भेदभाव नहीं है। आप 16 माला करेंगे आपको लाभ मिलेगा, आप नहीं करेंगे तो आपको नहीं लाभ मिलेगा। ये नियम सबके लिए है। ये सबके लिए नियम है। टॉप पोजिशन में कोई हो और या लोअर पोजिशन में कोई हो,